हेलो बच्चों, कैसे हो? अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन वीडियो, मतलब पार्ट वन पे वन वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट टू पे वन वीडियो। तो आज पार्ट वन पे कर रहा हूँ, कल पार्ट टू पे करूँगा। आज तो पार्ट वन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो उतना उतना चैप्टर वाइज कर लीजिए। अब इससे कम तो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि इतना तो करके ही जाना पड़ेगा। तो देखो, पहला चैप्टर लिया मैंने सॉलिड स्टेट, उसका पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड अमॉर्फस। ऐसे ये लास्ट ईयर आ चुका है, तो 4 पॉइंट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसके आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स करके जाना है, बस बात खत्म, बाकी कुछ देखना नहीं है। 4 पॉइंट्स, ठीक है ना, कर लेना रिपीट है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म स्टॉकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट पूरे डिटेल में करके जाना विथ एग्जाम्पल। ये कैसे करना है आपको, डिटेल करना है, डिटेल में करके जाना है आपको। डिटेल मतलब कंप्लीट, ऐसे लिखता नहीं तो कंप्लीट कंप्लीट विथ एग्जाम्पल कर लेना है आपको, विथ एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा रहेगा ये, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिर ये तो डेफिनेशन है, एक्सप्लेन करना है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये जनरली आते भी है, फिजिक्स फिजिक्स में रहते हैं उसके लिए। फिर ये न्यूमेरिकल बेस्ड अप करना है डेंसिटी पे, तो जेड इंटू एम अपॉन ई क्यूब इंटू एन ए, ये एवोगैड्रो नंबर, ये मैंने न्यूमेरिकल सब करा चुका हूँ, इस पर आप कर सकते हैं आराम से। फिर एक क्लासीफाई द फॉलोइंग मॉलिकुलर सॉलिड्स इंटू डिफरेंट टाइप्स में, एच सी एल, सी ओ टू, एस ओ टू, अमोनियम फॉस्फेट, ब्रास, S6 मॉलिक्यूल, डायमंड, ये सब कर लेना था, इसमें से इतना आपको कर लेना है कम से कम, ठीक है ना। इसके बाहर बिल्कुल नहीं, और इस बार इसे न्यूमेरिकल पक्का आएगा, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे करें, इसलिए टिक लगा दिया मैं यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लगता है, मुझे लगता है मुझे नहीं करना है, ये कर लेना, क्लासीफाई वाला क्वेश्चन कर लेना, और आपको ये डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन निपटा देना है, बस ये कम से कम 3 निपटा दिए, हो गया। और ये इसके 4 पॉइंट कर सकते हो तो कर लिए, तो बहुत, मतलब इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट बताया जाकर, ये तो कह रहे हैं ऐसे पूरे ही है, लेकिन ये अभी देखो ये तो चांसेस कम है, मतलब इससे लास्ट आ चुका है, तो उसके लिए फिर भी 4 पॉइंट नाम के लिए कर लेना। तो मेन आपको अभी स्टॉकी और न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फिक्स आने वाला ही है, तो इस साल फिक्स है इसमें न्यूमेरिकल, अब इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन बनता है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इतना कर लीजिए। और एक आपको याद रखना है कि इसमें से एम सी क्यूज आने के भी चांस है, तो एक बार थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो बैक साइड के न्यूमेरिक, सॉरी एम सी क्यूज कर लेना बैक साइड के आप उसके, ठीक है ना, कर लीजिए इसको नोट आउट। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर, सॉल्यूशन एंड कॉलिटी प्रॉपर्टी। तो पहले डेफिनेशन बनाया मैंने क्वेश्चन, डिफाइन पहला है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, एब्लियोस्कोपिक की डेफिनेशन, मतलब एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ऑस्मेटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के डेफिनेशन परफेक्ट कर लेना, आसने की चांसेस है। उसके बाद फिर है स्टेट हेनरीज लॉ, फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी भी न्यूमेरिकल कर लेना है, मोलैलिटी पे करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मास ऑफ सोल्यूट का निकल तो उसका करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन मास ऑफ ये करना है, अगर पूरा किया तो अच्छा है, कंप्लीट करने तो और अच्छा है, सारे फॉर्मूले करके कर लेना है पे, तो इसके बाहर जाएगा नहीं। फिर डिराइव वॉन्ट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन फॉर एन, इसको पूरा डेरिवेशन करना है। उसके बाद फिर आपको आपको क्या करना है, जो लॉस पर है पूरे कर लेना है, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ, वॉन्ट ऑफ एवोगैड्रो लॉ, जितने दिए ना अगर वो कर सकते हो तो अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम, ऐसा चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, तो कर लीजिए इसको नोट डाउन फटाफट। ओके, अब देखते हैं थर्ड चैप्टर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। देखिए जरा इधर, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समिशन, इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर, मतलब इसका स्टेटमेंट, इसका एक एग्जांपल, एप्लीकेशन, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंट्रोपी एंथैल्पी, इतने डेफिनेशंस की कर लीजिए। फिर राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर लीजिए, फिर एडियाबेटिक, उसके बाद आइसोकोरिक, फिर आइसोबैरिक, ऐसे इसको कर लीजिए। फिर स्टेट, स्टेट फर्स्ट लॉ, सेकेंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनके तीनों लॉ कर लेना है आपको, फर्स्ट
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. फिर डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी एंड वॉट इज द कंडीशन अंडर विच डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच. और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी करना है. ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अभी नेक्स्ट है डिराइव द इक्वेशन, मतलब आपको वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करना है, डिराइव भी करना है और न्यूमेरिकल करना है इस पर. फिर डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 वी टू अपॉन वी वन, या फिर इसके जगह पे हो सकता है पी वन अपॉन पी टू. तो इस पर डिराइव भी करना है और उसके न्यूमेरिकल भी करना है. ठीक है ना, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी करके देख लीजिए. फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ पे कीजिए, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्ड एंड एक्स पर है. ठीक है, इतना आपको करना है थर्मो पे पूरा. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब देखते हैं फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसमें देखिए डिफाइन रेजिस्टिविटी रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेल कांस्टेंट करोजन. ऐसे करोजन आपको पूरा ही करना पड़ेगा. फिर एक कोलराश लॉ और हो सके तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करके देख लेना. ऐसे न्यूमेरिकल अभी तक आए नहीं इस पर, लेकिन फिर भी देख लेना, ईजी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस पर. ठीक है, फिर फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दो लॉ है, फर्स्ट लॉ है सेकंड लॉ, दोनों लॉ लर्न करके उसके न्यूमेरिकल करना जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल. फिर नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन सारे टर्म्स को डिफाइन कर लेना है. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लेकर पूरे टर्म्स को, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. फिर डायग्राम में देखेंगे तो ड्राई सेल का डायग्राम करना है, लीड एक्यूमुलेटर और कैलोमन इलेक्ट्रोड. फिर मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल करके देखना है, हो सके तो उसका डेफिनेशन भी याद कर लेना. उसके बाद फिर ई नॉट सेल का सेल बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेने का. ठीक है, इतना आप कर लीजिए. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर. राइट डाउन द सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑन लीड एक्यूमुलेटर. जब डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम की आपको रिएक्शन लिखना है इसमें. फिर व्हाट इज मीन बाय द करोजन एंड लिस्ट द मेथड यूज फॉर द प्रोडक्शन, मतलब उसके लिस्ट बनाने कितने मेथड है ऑन करोजन, बस बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें. ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब देखते हैं फिफ्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. इस पर डेफिनेशन बना रहे हम लोग. रेट लॉ का है एक डेफिनेशन, वो कर लेना. रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर एक्टिवेशन, इतनी डेफिनेशंस कर लेना पूरा. ठीक है ना, थोड़ा सा सीओडो का जो है ना, थोड़ा एक एग्जाम्पल भी कर लेना इसका, सीओडो का एक एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना. ठीक है ना, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसके आपको क्या करना है, फोर पॉइंट्स का लेना है, बस फोर पॉइंट्स, क्योंकि ये दो ही मार्क में आता है, फोर पॉइंट्स का कलर करना. फिर आपको क्या न्यूमेरिक करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे करना है और हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के करना है दोनों के. ठीक है ना, उसके फिर राइट द अजम्पशन ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कर लेना, कोलिजन थ्योरी तैयार कर लेना. हो गया इस चैप्टर के इतने ही. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. में देखिए पहला क्वेश्चन डिफाइन हाइड्रोमेटलर्जी, सेकंड है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, थर्ड है लीचिंग. अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर अलिंगम डायग्राम्स, का डायग्राम बनाना और राइट एनी टू फीचर्स ऑफ इट, दो फीचर याद कर लीजिए. फिर एक्सप्लेन मॉन्ड्स प्रोसेस पूरा करना है, किस लिए किस मेटल यूज़ कर रहे हैं, मेटल इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं. ठीक है ना, किस लिए यूज़ करते हैं, इसका नाम बताएं, ऐसे कुछ भी आ सकता है. तो मॉन्ड्स प्रोसेस डिटेल करना है, फिर जोन रिफाइनिंग डिटेल करना है, वेनल, ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से कर लेना है. फिर डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से कर लेना है. फिर एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन. ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब देखते आगे क्वेश्चन. मेंशन नेम्स एंड फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर. तो आपको स्पेशल अगर नहीं होता तो एल्यूमिनियम का ज़रूर करके देख लेना, एल्यूमिनियम का आपको. ठीक है ना, ऐसे चारों को तो बहुत अच्छा, मतलब उनके ओर्स के नेम और फार्मूला रहते हैं, वो याद कर लेना सभी. ठीक है ना, पूरे करना, क्योंकि कोई कभी क्या होता है वो डायरेक्ट डालते हैं, वो डालते उन्होंने कि बताइए अभी कैलामाइन या कुछ ऐसे डाल दिया उन्होंने, तो फिर आपको हेमाटाइट, फिर आप परेशान हो जाएंगे. ठीक है ना, उसके लिए उसको नेम के साथ पूरी पूरी याद किया तो बहुत अच्छा रहता है, छूटने के चांसेस नहीं है. फिर डायग्राम को करने है, ब्लिस्टर कॉपर का जो डायग्राम वो कर लेना है, ब्लास्ट फर्नेस कर लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ एल्यूमिनियम कर लेना है, बेसिमर करोट, इस चैप्टर के इतने डायग्राम तैयार करना है.
फिर राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द जोन ऑफ रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में ना जोन ऑफ रिडक्शन, ब्लास्ट फर्नेस उतनी रिएक्शन करना, बाकी नहीं करना. फिर राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स ओर बाय लीचिंग प्रोसेस. तो लीचिंग की डेफिनेशन पर लिखा है हमने, लीचिंग और उसके साथ एक साथ ही कर लेना तो दोनों काम हो जाता है. ठीक है, इतने नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब लास्ट चैप्टर पार्ट वन का पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो. तो इसमें ऑक्सी एसिड्स और फॉस्फोरस उसके स्ट्रक्चर्स पूरे ड्रॉ कर देख लेना है. ठीक है ना, फिर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन उसका लेबोरेटरी और प्योर फॉर्म में आता है, दो प्रिपरेशन दोनों कर लेना. फिर अमोनिया का प्रिपरेशन करना हैबर्स प्रोसेस नाम से करना है. फिर ब्राउन रिंग टेस्ट उसके, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन का स्ट्रक्चर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सप्लेनेशन भी कर लेना है आपको. ठीक है ना, उसके फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करना है आपको. फिर रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ देखो किससे करना है, कॉपर के साथ कर देना है, जिंक के साथ, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है ना, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस इसके साथ कर देख लेना है. फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पूरे स्ट्रक्चर तैयार कर लेना इसका. ठीक है, कर लो नोट डाउन. ओके, आगे देखते हैं. अभी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन और डेकॉन प्रोसेस करना है आपको. फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स उसका सिर्फ स्ट्रक्चर कर लेना है. फिर यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस, जो इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गॉन, नियॉन, ठीक है ना, और नियॉन, हीलियम, नियॉन, इतना कर लेना है. ठीक है ना, फिर रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ कोल्ड एंड हॉट अल्कलीज साथ कर देना है. हेलोजन के कोल्ड एंड हॉट अल्कलीज के, अल्कली मतलब NaOH के साथ होगा. ठीक है, अल्कलीज मतलब समझ लेना NaOH या फिर KOH के साथ दिया होगा, वो देख लेना आप. फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन और फ्लोरीन का करके देख लेना, खत्म. ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो, अगर थोड़ा आप ज़्यादा करने की इच्छुक हो तो ग्रुप ध्यान देना जरा, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 17 कर सकते हो तो ये पूरा करके देख सकते हो. दो ग्रुप बहुत काम के इस साल के लिए. ठीक है ना, ये दो ग्रुप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर कर सकते हो पूरा तो. चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, आपका पार्ट पूरा कर दिया. अब देख लीजिए, इतना करना तो पड़ेगा कम से कम, पास होना है तो कम से कम आपको मतलब इतना भी किया तो आपको 60 तो करीब करीब पहुँच जाएंगे आप, 30-35 से दोनों मिलाकर. तो मुझे लगता है 60 तक तो आ जाए, 50 लेके 60 में तुम आराम से आ सकते हैं. ठीक है ना, इतना कर लेते इसकी, इतना कि आप हो सकता है आपका पूरा भी आ जाए, ये कोई बता नहीं सकते क्योंकि लक की बात है अपना, क्योंकि ये तो गेसिंग है पूरी. ठीक है ना, तो इतना ही कि इसमें से कोई भी फेल तो कोई होने वाला नहीं है, किस भी किया तो 50 प्लस आने ही वाले हैं इसमें से, इतनी तो बता, इतनी कम गारंटी में ले सकता हूँ, 50 प्लस कहीं नहीं गए आप लोगों के. ठीक है ना, चलिए करते रहिए. पर दूसरा जो पार्ट है वो मैं कल अपलोड करूँगा, तब तक इसको स्टार्ट कर दीजिए.